हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आई इफ फंक्शन के जगह पर हम स्विच फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है और लगभग फंक्शंस दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा आसान स्विच फंक्शन हो सकता है शायद आपके लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। मेरे पास एमएस एक्सेस का 2007 वर्जन है। आपके पास जो भी वो यूज कर सकते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहां से चूज करिए क्रिएट। जाइए व्यू पर, डिजाइन व्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं करता हूँ Q1, ठीक है। यहाँ ये जो भी आईडी है वो स्टूडेंट की आईडी होगी, यहाँ स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, उसके बाद से हिंदी के मार्क्स, ठीक है। फिर इंग्लिश के मार्क्स, ये दो ही सब्जेक्ट रखता हूं मैं ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए और जो चीजें मैं सिखाना चाहता हूं वो जल्दी से आप सीख लें। और इन दोनों को टोटल करेंगे हम यहाँ पे, यानी एडिशन इन दोनों का कराएंगे। इसके बाद यहां पर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम आई इफ फंक्शन से ग्रेड निकालेंगे और आप बताइएगा हमें दोनों में से कौन सा आसान है। तो यहां पर हम आई इफ फंक्शन से ग्रेड निकालेंगे। इसको मैं ग्रेड 1 से डिनोट करता हूं, ठीक है। और फिर यहां ग्रेड 2, इसको हम स्विच फंक्शन से निकालेंगे। तो यहां लिखता हूं ग्रेड 2, ओके। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी ये हमने लिए है ना क्वेरी करने के लिए, क्वेरी जहां भी हमें बनानी है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये नंबर रहेगा, ठीक है। नेम तो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, इसलिए नेम को हम टेक्स्ट ही रखेंगे। इसको हम कर देंगे नंबर, ओके। ये नंबर कर दिया, इसको भी नंबर करिए, इसको भी नंबर करिए। देन व्यू पे क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए यस, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखेगा आपको। अब आएंगे क्रिएट पे, क्वेरी डिजाइन में आएंगे और यहां पर Q1 को करवा दीजिए ऐड, ठीक है। आईडी इंसर्ट करवाइए, नेम हिंदी, इंग्लिश, टोटल, एवरेज, ठीक है। एवरेज आ गया। इसके बाद से ग्रेड 1 और ग्रेड 2, इन दोनों को ले लेंगे हम। सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करेंगे। कुछ है नहीं टोटल कैलकुलेट करने में, बहुत बार सिखा चुका हूं। स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, यहां लिखिए हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस इंग्लिश, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम व्यू पे लेके दिखाता हूं ये आपको, ताकि आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। यहां पे लिखेंगे टोटल, टोटल ही है ये हमारा। यहां पे टाइटल हम जो लिया है वो टोटल ही है। तो टोटल अपॉन कितने सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट। अगर तीन सब्जेक्ट होते तो 3 से डिवाइड करते, 4 होते तो 4 से डिवाइड करते। ओके प्रेस किया हमने तो ये एवरेज भी हो गया। अब ग्रेड 1 पे आते हैं। ग्रेड 1 यानी आई इफ का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो चलिए और आई इफ फॉर्मूला लगा करके देखते हैं आई इफ, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, एवरेज इज ग्रेटर देन कॉमा एस ग्रेड, सबसे बड़ा ग्रेड जो होता है वो एस होता है। तो मैंने यहाँ एस लगा दिया है। 85% से अबव जो होगा वो एस ग्रेड होगा। ये भी मैं फॉर्मूला कई बार सिखा चुका हूं, तो उम्मीद है कि इस पे कमांड आ ही गया होगा आपका। अब यहां पे आई इफ फिर से लगाएंगे, ठीक है। आई इफ लगा दिया हमने, आई इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, कॉमा बी ग्रेड, आई इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, कॉमा सी ग्रेड, ठीक है। और आई इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, तो हो ही चुका है 50 करेंगे, कौन सा ग्रेड आएगा, डी ग्रेड आएगा, ठीक है। डी ग्रेड कर दिया हमने। और लास्ट में दो कंडीशन होती है इसमें, अगर स्विच की बात करें तो स्विच में एक ही कंडीशन होती है एक बार में, ठीक है। दो कंडीशन नहीं दे सकते आप लास्ट में या शुरुआत में, कभी भी दो कंडीशन नहीं दे सकते स्विच में, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा फेल्ड, FAILED, ठीक है। कितने लगाए हैं, 2, 3, 4, 5, तो यहां 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए यहां एवरेज को हमने क्लोज नहीं किया, तो जहां जहां क्लोज नहीं किया उसको क्लोज भी कर लेते हैं। यहां पर नहीं किया है, फिर यहां पर नहीं किया है,
यहां पे भी छोड़ रखा है और यहां एवरेज की स्पेलिंग भी गलत है तो इसको भी सही कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया हमने और यहां पर भी छोड़ रखा है तो इसको भी कर लेते हैं सही। तो अब तो एवरीथिंग इज राइट नाउ, सो ओके प्रेस करेंगे तो ये हो गया। अब यहां पर स्विच फंक्शन की बात करेंगे, हमारा जो मेन फंक्शन है स्विच, जिसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे स्विच, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, स्विच, ये फंक्शन हम यूज करने वाले हैं स्विच, ठीक है, इक्वल टू 85, चीज तो वही है, यहां एस ग्रेड ही आएगा, लेकिन अब यहां पर चेंजिंग हो जाएगी क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ लिखना है एवरेज, ए बी ई आर ए जी, ई एवरेज लिखा हमने, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया हमने, यहां पर कर देंगे 75 कॉमा ए ग्रेड, फिर एवरेज ए बी ई आर ए जी ई एवरेज, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, ठीक है, कॉमा बी ग्रेड, फिर एवरेज ए बी ई आर ए जी ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कौन सा ग्रेड आएगा यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर यहां पे एवरेज, अब हम वहां पे हमेशा आई इफ लगाते थे, यहां पे सिर्फ आपको एवरेज लगाना पड़ रहा है, अंतर आपके समझ में आ रहा होगा, एवरेज लगाया हमने, सी के बाद डी और फेल ग्रेड दोनों एक ही, यानी कि लास्ट वाले में दो कंडीशन हम दे रहे थे आई इफ फॉर्मूले में, लेकिन यहां क्या है कि लास्ट में भी आपको अलग अलग कंडीशन लगानी होंगी, जैसे ये देखिए एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 50 कॉमा कौन सा ग्रेड देंगे, डी ग्रेड देंगे, और एट लास्ट अब फिर यहां पे हमको लगाना होगा एवरेज, वहां पर आपको एवरेज नहीं लगाना पड़ता, वहां पर ये लास्ट में दो कंडीशन दे सकते थे लेकिन यहां दो कंडीशन नहीं दे पाएंगे, तो यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं लेस देन 50, ठीक है, कॉमा फेल एफ कर देता हूं, फेल की जगह क्या कर देता हूं एफ कर देता हूं मैं, ठीक है, ये 50 हो गया तो यहां कर दूंगा एफ ग्रेड, एफ का मतलब होता है फेल, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब लास्ट में सिर्फ एक ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि स्विच यूज करते समय सिर्फ एक ही ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया था हमने, तो एक ही ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, हमारा काम हो गया, रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दोनों ग्रेड सेम आएगा। देखिए आप यहां पे मैंने लिखा राम, नाम लिख दिया स्टूडेंट का राम, ठीक है, हिंदी में मार्क्स आ गया 55 और इंग्लिश में मार्क्स आ गया 44, तो उसके हिसाब से ये फेल हो गए क्योंकि 49.5% इनका रिजल्ट बना है, यहां भी फेल और एफ ग्रेड यहां भी फेल, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों। अब फिर दूसरा नाम लिखते हैं श्याम, लिखा हमने यहां पे 66 किया 77 किया, तो यहां ग्रेड देखिए दोनों में बी ग्रेड, यहां भी बी यहां भी बी, यानी ग्रेड सेम है। अब आपको जो भी आसान लगता हो वो चीज यूज कर सकते हैं, चाहे स्विच फंक्शन यूज कीजिए या इफ फंक्शन यूज कीजिए, आपको जो भी ठीक लगता हो, ये वसीम है। 77 87, तो यहां पे ए ग्रेड आ गया इनका, ठीक है, और फिर यहां पे सलीम, ठीक है, 90 98, तो यहां एस ग्रेड आ गया इनका। देखिए दोनों में एस आ रहा है, यानी इफ फॉर्मूला ये है, ये वाला इफ फॉर्मूला है और ये वाला स्विच फॉर्मूला है, तो यानी स्विच फॉर्मूले का भी यूज आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं अवनीश कुमार, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहां पे किया मैंने 44 66, ठीक है, ये देखिए सी ग्रेड आ गया इनका, ठीक है, अगर 50 से कम होगा तो वो फेल हो जाएंगे। नाम लिख देता हूं सोहन, ठीक है, और यहां पे करता हूं मैं 49 और यहां पे करता हूं 50, तो देखिए एक मार्क्स कम है, अगर एक मार्क्स हो तो ये पास हो जाएंगे, तो फेल का ही रिजल्ट बनेगा निश्चित तौर पे। तो यहां देखिए ये फेल का रिजल्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों में सेम रिजल्ट आया, एफ ग्रेड यानी फेल ग्रेड, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं एक और नाम कुसुम, ठीक है, 66 और 36, तो यहां पे देखिए डी ग्रेड आ गया ये। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम स्विच फंक्शन का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही अगर कोई आपको जानकारी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।